आपका साइज ऑफ द स्कैटरर जो है दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीइंग यूज्ड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इमेजिन करिएगा ये स्कैटरिंग सेंटर है या ये आपका स्कैटरर है। सनलाइट, व्हाइट लाइट जिसके सेवन कंपोनेंट्स होते हैं, कल आपने स्प्लिट करके देखा था अलग अलग कलर्स में, ये आपका सनलाइट आ रहा है और ये स्कैटरर के साथ आकर स्ट्राइक कर गया। स्कैटरिंग सेंटर और द स्कैटरर इस लाइट को पहले अब्सॉर्ब कर लेगा, सारी लाइट को अब्सॉर्ब करने के बाद सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में री अमिट कर देगा। और आपका लाइट देखिए, सारे स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से, इस तरीके से आफ्टर दैट ट्रेवल करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ये फिनोमिना बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। समझिएगा फिर से एक बार, कोई स्कैटरर है, स्कैटरिंग सेंटर है, इसका साइज बड़ा स्मॉल है, प्रोबेबली ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीइंग यूज्ड उसके ऑर्डर का है। इस पे लाइट फॉल करी, लाइट सनलाइट जो है इसके पास E इज इक्वल टू एच इन टू न्यू के बराबर का एनर्जी रहेगा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विच वी आर मेकिंग टू फॉल अपॉन द स्कैटरर। ये जब इस स्कैटरर पे फॉल करेगी, हर एक स्कैटरिंग सेंटर कैसा भी हो, एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ होता है, ये एनर्जी पहले वो सारे एटम्स जो स्कैटरर को बना रहे हैं अब्सॉर्ब कर लेंगे, फिर रीएमिट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंड इट विल बी री एमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस। एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, लॉ है दैट डील्स विद द स्कैटरिंग दैट वी कॉल एज वेली लॉ ऑफ स्कैटरिंग। वेली लॉ ऑफ स्कैटरिंग। और डियर चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ द, लिख लीजिएगा स्टेटमेंट पार्ट बेटा, अकॉर्डिंग टू रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग बेटा, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो भी आपने लाइट यूज की है उसकी वेवलेंथ की फोर्थ पावर पर इनवर्सली आपका इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड करता है। मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं लिख दूं, आई इज प्रपोर्शनल टू 1/λ/4, ये इंटेंसिटी की फोर्थ पावर पर इनवर्सली डिपेंड किया। इंटेंसिटी बेटा आप लोग जानते हैं होती क्या है, ऑल ऑफ यू कैन यू डिफाइन इंटेंसिटी बेटा, एनीवन फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन? हाँ जी, इट इज नॉट ऑलवेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट या सिंपली इंटेंसिटी। यस बैठिए, श्यांक, इंटेंसिटी कितनी अमाउंट में, बैठिए बोलिए। सेकेंड लास्ट बच्चा, आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिफाइन करिए। बोलो बेटे, मैं बोलने के लिए खड़ा किया आपको, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। खुशी, इंटेंसिटी, बैठिए आप,
ब्राइटनेस। गुड, मैं ऐड करना चाहूंगा, आप जिस तरीके से बोल रहे हो ये आपका थोड़ा सा नॉन साइंटिफिक डेफिनेशन बन जाता है। साइंटिफिकली हम कहेंगे कि इंटेंसिटी जो है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मली ऑन ए गिवन सर्फेस। याद रखिएगा, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉलिंग नॉर्मली, का मतलब होता है परपेंडिकुलरली ऑन ए सर्फेस। सो याद रखना इसको बेटा। अब हम बात कर रहे थे कि इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट जो है ये फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ पे डिपेंड कर गई, ये बात हमने कर ली। अब आइए जरा हम बात करके देखें हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम कैसा था। ये फॉर्मूला रब कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा, आपने कल डिस्कस किया था विजिबल स्पेक्ट्रम को। ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम था विद द रेड कलर हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ एंड द वायलेट कलर हैविंग लीस्ट वेवलेंथ। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास सनलाइट ना हो, सनलाइट सेवन कलर्स की बनी हुई है ना, हमने उनको अलग अलग कर लिया, रेड को अलग से निकाल दिया, ऑरेंज को अलग से, येलो को अलग से, ग्रीन को अलग से, ब्लू अलग, इंडिगो अलग, वायलेट अलग, एक सनलाइट के साथ आगे बना लिए हमने, उसमें से आपने रेड पिक कर लिया। रेड कलर की वेवलेंथ जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ कि रेड कलर ज्यादा स्कैटर नहीं करेगा। स्कैटर ना करने का मतलब है कि वो जितने रीजन में है उतने रीजन में ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, और इसी वजह से रेड कलर के सिग्नल जो हैं ये आपको दूर से ही दिख जाते हैं, क्योंकि वो स्कैटरिंग नहीं करते, ज्यादा स्कैटर नहीं होती लाइट रेड। और इसीलिए जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं दीज आर मेड रेड इन कलर, ताकि लोगों को दूर से ही दिख जाए। समझिएगा ध्यान से, आप अपने स्कूल से, आपको फुल ब्रेक हो गई, आप जा रहे हैं, जाते जाते आपको दूर से ही दिख जाता है कि रेड लाइट हुई हुई है, मैं इधर से चल जाता हूँ दूसरे पासे से, उधर से ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ऐसे करते हैं ना हम कई बार, आपका लाइट आगे रेड हुआ पड़ा है, काफी ट्रैफिक भी है, आपको पता है कि अल्टरनेटिव एक इधर से भी रास्ता जाता है, आप वो स्किप कर जाते हो। क्यों? बिकॉज आपको दूर से दिख गया कि रेड लाइट हुई पड़ी है। रेड लाइट दूर से क्यों दिख गई? क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेड कलर उतने छोटे से रीजन में ही अपने आप को कंफाइंड रखता है, ज्यादा स्कैटर नहीं करता, इसलिए दूर से ही दिख जाता है। सो ऑन दिस बेसिस आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। आई होप आपको समझ आ गया होगा रेड कलर के डेंजर सिग्नल क्यों रखे जाते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू, ये जरूर लिख देना आपने इसका जवाब देते टाइम, अकॉर्डिंग टू रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, एंड रेड कलर हैज गॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट विल बी गेटिंग स्कैटर्ड लीस्ट। और अगर स्कैटर नहीं करेगा तो दूर से ही दिख जाएगा बेटा। सेकेंडली बात करेंगे बेटा, हमारा जो स्काई है ये ब्लू इन कलर हमें दिखाई देता है, व्हाट मे बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बेटे? अगेन इसी बेसिस पे इसका जवाब दिया जा सकता है। आप जब सनलाइट की बात करते हैं, सनलाइट आपका ये सारे कलर से बना हुआ है, बी आई बी जी वाई ओ एंड आर,
कैटरिंग के बाद जब आपका रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये स्कैटर करेंगे, कोई थोड़ा करेगा, कोई ज्यादा करेगा, इनका सबका अगर हम एवरेज ले लें, मीन ले लें, तो आपकी वेवलेंथ लगभग यहाँ पे लाई करती है ब्लू कलर की। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो स्काई है इट अपीयर्स ब्लू इन कलर। लेकिन प्रॉब्लम ये, हमें तो ब्लू दिखता ही नहीं है बाहर, हमें तो ये थोड़ा सा फेड सा लगता है, ब्लू पूरा नहीं दिखता। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन पार्टिकल्स और द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एयर ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट इन योर सिटी। जो जब आपके यहाँ पे एक्सट्रीम विंटर की कंडीशन होती है तो स्मॉग भी आजकल हमें देखने को मिलता है। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर तो चलो बंद था सारा कुछ आपका। तो एक बेटा सेडिमेंट्री पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स का एक लेयर आपके एटमोस्फियर में कम हाइट पे बन जाता है और उसमें स्मोक और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। और वो क्या करते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स का साइज वेवलेंथ ऑफ द लाइट से कंपैरेटिवली बड़ा होता है, वो स्कैटरिंग होने नहीं देते प्रॉपरली, और आपका इस तरीके से स्काई का कलर परफेक्टली ब्लू नहीं दिखाई देता। तो दैट इज द क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोल्यूशन पार्टिकल्स इन द एयर। और अगर आप, एक मिनट बेटी वेट करिएगा, अगर आप कहीं उन प्लेसेस पे चले जाएं जहां पे पोल्यूशन बड़ा कम है, किसी बहुत ही ज्यादा फार ऑफ हिल स्टेशन पे चले जाएं, मौका मिले अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं जहां पे पोल्यूशन कम है, तो वहां पे आपको स्काई परफेक्टली ब्लू कलर का दिखाई देता है, ओनली बिकॉज वहां पे आपके पोल्यूशन पार्टिकल्स नहीं है और स्कैटरिंग प्रॉपरली होता है लाइट का, और उनका एवरेज कलर स्कैटर्ड लाइट का आपका ब्लू निकल आता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आपका जो स्काई है इट इज ब्लू इन कलर, राइट बेटा। सो आपको ये भी पूछा जा सकता है बेटी, एक्सप्लेन व्हाई द स्काई इज ऑफ ब्लू कलर। बेटे एक तीसरा पॉइंट और है, आप पहले बता दीजिए आप कुछ कहना चाहते थे। बैठिए बैठिए, इसी पे आ रहा था मैं, ये करके आता हूँ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, चिंता मत करिए। अरे रुक जाइए थोड़ा सा बेटे, पेशेंस रखिए, मैं सारा एक्सप्लेन करके जाऊंगा, चिंता मत करिए आप। आप लोगों ने करते जाओ काउंट, अच्छी बात है। नहीं कुछ नहीं हुआ बेटे, जब आप बेटे बाहर ओपन में जाते हैं आजकल पर्टिकुलरली इन डेज में, आपको बाहर क्लाउड्स दिखाई देते हैं और दीज आर जनरली वाइट इन कलर। How we can explain that clouds are generally white in color? हाँ जी, उसका हाँ लिखवा देता हूँ, 2 मिनट इस पे लगा लें पहले। बेटे जो क्लाउड्स हैं आप लोग अच्छे से जानते हो, क्लाउड्स का फॉर्मेशन डस्ट पार्टिकल से होता है। डस्ट के पार्टिकल्स, छोटे मोटे स्मोक के पार्टिकल्स भी होते हैं, ये आपके बेटे क्लाउड्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनका साइज बिकॉज वेवलेंथ ऑफ द लाइट के कंपैरेटिवली बड़ा होता है, नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम दीज पर्टिकुलर क्लाउड्स बेटा। और अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो आप लोगों ने एक न्यूटन डिस एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लास में कहीं पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, मैं समझा देता हूँ, सुन लीजिए। आप एक कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट कर लीजिए, ऐसे बन जाएगा। चलो अब कर लो बेटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 1 से लेकर 7 तक कलर्स इनमें फिल कर दीजिए।
डार्क कर दीजिए इनको पेंसिल कलर के साथ। उसके बाद आप इसको एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ रोटेट कर दो, जैसे वो आपका एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। आपका ये सारे कलर्स आपको बेटे डिसअपियर होके जनरल वाइट कलर दिखाई देगा, बिकॉज उस केस में ये सारे कलर्स मिक्स होकर आपको इन जनरल वाइट कलर का लाइट दे देते हैं। तो अगर क्लाउड स्कैटरिंग नहीं होने देंगे तो सारे कलर्स बेटे बराबर रीएमिट हो जाएंगे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपको इन जनरल क्लाउड्स वाइट कलर के अपीयर हो जाएंगे बेटा। एक इस बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सनसेट और सनराइज के टाइम पर थोड़ा सा येलोइश कलर हमें दिखाई देता है, व्हाट इज द परफेक्ट रीजन फॉर दैट। आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। बच्चों जब आपका सनसेट या सनराइज होता है, आप लिख लेना अपना पॉइंट जो भी है इसके ऊपर हेडिंग लिख लेना बेटे। ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ, और मान लीजिए आप अर्थ की सरफेस पे यहां पे रहते हैं, मान लो ये बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहां बैठा है, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट के लिए सनराइज तब होगा जब सन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा, तभी सनराइज होगा। अब देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सन आपका अभी राइज नहीं किया, अभी यहां पर ही प्रेजेंट है, ठीक है जी। ये आपके अर्थ का एटमोस्फियर है। जब सन यहां पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल के करीब करीब आने वाला है या आ रहा है, हाँ? और नहीं, रुक जाओ जरा, आप तो सुन लो प्रॉपरली। ये आपका सन का डिस्टेंस है, ये आपका अर्थ है यहाँ पे। बेटे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आपका अर्थ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो आप यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे हैं, आप तक लाइट जो पहुंच रही है उसको इतना डिस्टेंस इन द अर्थ कर्वेचर ट्रेवल करना पड़ रहा है। आई बीन टू से जस्ट दैट कि जब सनसेट या सनराइज होना है, लाइट को आप तक पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं, मानते हो ना पुत्र? अगर पड़ रहा है तो आप देख लीजिए, आपका रेड कलर ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से कम स्कैटर करेगा, ये उससे कम स्कैटर करेगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है आपकी लाइट के, ये वाले कलर जो है, इनकी स्कैटरिंग नहीं होगी, थोड़ी होगी, इनकी स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। अब क्योंकि लाइट ज्यादा दूर तक आ रही है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रही है, इन कलर्स को इन द मीन टाइम ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की वजह से ये स्कैटर करके कर करके काफी कंपेरेटिवली फेंट पड़ जाते हैं, और ये वाले कलर्स का एवरेज आपका येलो सा कलर आपको दिखाई दे देता है। क्यों? फिर से ध्यान दीजिएगा, ये वाला डिस्टेंस आपका सनसेट या सनराइज के टाइम पर काफी ज्यादा लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ये वाले कलर्स कम स्कैटर करते हैं। इनका एक मीन आप वेवलेंथ निकाल लीजिए, लगभग वो येलो कलर का, लगभग गोल्डन येलो होता है, वैसे पूरा येलो नहीं होता, आपको वो कलर दिखाई दे देगा। लेकिन अब जरा और भी बात करके देखें, आपका ये नून टाइम पे आ गया, बिल्कुल जब आपका बेटे आफ्टर नून का टाइम हो गया, अब आपका सन आपके बिल्कुल ओवरहेड है। अब आप देख लीजिए, ये डिस्टेंस आपका जो है इतना कम है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कंपेयर टू दिस डिस्टेंस इतना कम है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। इसीलिए यहां पे बाकी के कलर्स जो हैं स्कैटर कर रहे हैं, लेकिन इतना अभी तक ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाई जितना इधर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस। और आपको ये लाइट गोल्डन येलो ना लगकर ये जो बार आप देख ही रहे हैं ऐसी लगती है, राइट? जस्टिफाइड? हाँ? क्या कहता है बच्चा, बोलो पुत्र?
एनी पॉइंट। इसके बाद बेटे देखो ये कुछ एप्लीकेशन थी आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ लेकिन रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन हमने कर लेनी है। पता नहीं होता बेटे, एग्जामिनर कई बार पूछ लेते हैं, आप हेडिंग लिख लीजिएगा एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला है बेटा जो इसने बच्चे ने पूछा ही था, द सन अपियर्स रेडिश इन कलर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। द सन अपियर्स रेडिश इन कलर एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। इट इज बेसिकली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग की बात तो चलो बाद में आती है, आपकी जो लाइट है उसकी रिफ्रैक्शन की वजह से आपका जो सनराइज और सनसेट का टाइम है उस टाइम पे ये थोड़ा सा अलग कलर का दिखाई देता है। दूसरी बात उत्तर ये है कि इस टाइम पर आपको सन ओवल शेप का दिखता है, पूरा परफेक्टली आपको स्फेरिकल नहीं दिखता है। जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ और ये वो बच्चा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सनराइज अभी हुआ नहीं है, अभी सन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसका वर्टिकल डायमीटर है और आपके अर्थ का एटमोस्फियर मान ले यहां तक है। यहां से एक रे आपका ऐसे जा रहा है, एक रे ऐसे जा रहा है। बच्चों देखिएगा इन दोनों रेस को ध्यान से देखिएगा बेटा, जो रे टॉप से आ रहा है ये स्पेस में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कम कर रहा है, ये इमीडिएटली आपके एटमोस्फियर में एंटर कर गया, इसको इतना डिस्टेंस फालतू का कवर करना पड़ रहा है आपके एटमोस्फियर में, अर्थ के एटमोस्फियर में एंटर करने से पहले। इसका मतलब ये हुआ इस रे की, इधर भाई इधर, इसकी रिफ्रैक्शन यहां से स्टार्ट हो गई है और ये जो बच्चा देख रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है इसको ये लाइट मिल गई, इसकी रिफ्रैक्शन यहां से स्टार्ट होगी, ये कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन हुआ, आपको लगा कि लाइट आ रही है यहां से, और क्योंकि टॉप से और बॉटम से डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन सफर कर रहा है आपका सनलाइट, तो ये थोड़ा सा ओवल शेप इसका हो जाता है। सेम इज द केस एट द टाइम ऑफ सनसेट। क्लियर? अभी सन नीचे है, आपको 2 मिनट पहले दिखना स्टार्ट हो गया, जब सन नीचे चला जाएगा 2 मिनट बाद तक आपको दिखता रहेगा। 1 मिनट और देखिएगा, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बेटे बड़े ध्यान से समझेंगे, ये आपका अर्थ है, ये बच्चा जो सवाल पूछ रहा था, और यहां पे स्टार है, राइट? मैं ये सन को अब रब कर देता हूं, इसकी बात खत्म हो गई है, और ये आपके अर्थ का एटमोस्फियर, ये आपका अर्थ, इसकी भी वैसे जरूरत नहीं थी, इस स्टार से नाइट टाइम पर लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ये आपके एटमोस्फियर में जैसे ही एंटर करेगी, एटमोस्फियर में एयर है, एयर का कुछ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, 1.0003 वैक्यूम का 1 होता है। जब ये एटमोस्फियर में एंटर करेगा इसका रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया और ये इस बच्चे तक पहुंच गई लाइट, इसको लगा कि ओ हो ये तो यहां से आ रहा है, ये स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, लगता है आपको यहाँ पे, जितने भी स्टार्स आप नाइट स्काई में देखते हो वो उनका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, दैट इज देयर अपेरेंट पोजीशन। दूसरी बात,
आपके एटमोस्फियर में एयर एक जगह पर बैठा नहीं हुआ, एयर मूव करता रहता है, एयर करंट्स हैं। आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट एयर करंट्स, ज्योग्राफी में आप पढ़ते भी हो। एयर करंट्स जब बेटा मूव करेंगे, एयर करंट्स की मूवमेंट की वजह से एयर में लगातार डिस्टरबेंस होता रहता है और इतने हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लगातार बदलता जाता है। अगर म्यू बदलता जाएगा तो कभी आपको ऐसे लगेगा, कभी ऐसे लगेगा, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देगा। सो इट इज ऑल बेसिकली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टैंड अप। सन बहुत बड़ा स्टार है। और सुनिए, एक मिनट, उसी बात पे आ रहा हूँ। सन का डिस्टेंस कंपेयर टू द अदरवाइज स्टार जो आप रात को देखते हो बड़ा कम है। उसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता, राइट? एक और बात है, आपने एक ग्लास के वेसल में पेंसिल रखी हुई है, वो आपको ब्रोकन लगती है। आइए देखें क्यों। ये आपका ग्लास का वेसल है, बीकर कह लो। इस बीकर में आपने पानी फिल करके रखा हुआ है, और बेटा एक मिनट इधर ध्यान दीजिएगा, ये आपका पेंसिल पड़ा है इसमें, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं चलेगा। ऐसा पेंसिल है पड़ा हुआ आपका, यहां से एक रे ऑफ लाइट आपका अनडिविएटेड चला जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये जो रे ऑफ लाइट यहां पे जा रहा है आपका, ये इधर से भी रे इधर भी जाएगा ना, एक आपको ये डेंसर टू द रेयर, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको लगेगा कि आपका जो ये रे है ये यहां से आ रहा है, और आपको पेंसिल अपना ऐसे यहां से टूटा हुआ दिखाई देगा, ब्रोकन दिखाई देगा। सो इन दिस मैनर बेटा आप ये एक्टिविटी घर पे जाके करते भी देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट ग्लास तो सबके घर में होता ही है, एक पेंसिल उसमें डाल देना, पेन डाल देना, इंक के बिना वाला, या जो खराब ना करे, आपको वो टूटा हुआ दिखाई देगा। लास्ट केस, ए पूल ऑफ वाटर अपीयर शेलो, कम डीप लगता है। आइए देखें, तो नहीं आ रही। ए पूल ऑफ वाटर अपीयर शेलो, ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स शैलो। बच्चों एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, ये पानी का कोई पूल है, सारा पानी से भरा पड़ा है। इसके बॉटम पे कोई ऑब्जेक्ट आप इमेजिन कर लीजिए, एक रे ऑफ लाइट आपका अनडिविएटेड जा रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, एक रे इधर जा रहा है, डेंसर टू द रेयर इट विल बेंड, ये अवे आ गया। यहां पे जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है वो खड़ा है, ठीक है, इसको लगेगा ये रे यहां से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, तो ये आपको इतना आपको लगेगा डेप्थ इस पानी का। असल में डेप्थ कितना है, इतना, दिस इज रियल डेप्थ, इट इज एपेरेंट डेप्थ। सो दिस इज अगेन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको लगेगा कि पानी की डेप्थ ज्यादा नहीं है। थैंक यू ऑल, विद दिस वी आर फिनिश्ड विद द सिलेबस।